जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अपनी पत्नी के साथ वड़ा पाव खाते हुए एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वो दोनों आपस में वड़ा पाव खाने का कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, जस्ट अच्छा वाला स्पाइसी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण जी के अच्छी बात है ना, सरोजिनी नगर की भीड़ के अंदर चलते हैं। इतना सेफ है कि वो बाहर, मतलब हम लोग को कोई सिक्योरिटी उनकी नजर नहीं। हाँ। जैसे आम लोग घूम रहे हैं वैसे ही वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा होता हो। पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज्यादा है। अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं। पहले भी हम लोग साथ रहते थे। ये है कल्चर, ये है हमारे इंडिया की सॉफ्ट पावर, समझ रहे हैं आप। ये है जापान और भारत की दोस्ती। जो चीजें वो देख रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर होंगे कि इतनी सस्ती कैसे हैं। इंडिया जाने का मौका मिले, सबसे पहले कौन सी डिश लोगे? मैं वड़ा पाव खाऊंगा यार। मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी यार वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है। बहुत मजा आता है। मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ खाने के लिए। जाओगे खाने के लिए? मैं जाता हूँ, अभी भी जाते हो? अभी भी जाता हूँ। कौन से शहर गए थे? मैं दिल्ली गया था। नहीं, जब ये भाई जाएगा ना तो इसके साथ शायद मैं भी चला जाऊँ इसके साथ वड़ा पाव खाने के लिए। आपका नोटिस में आ जाएंगे, बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी। आप उधर करोल बाग चले जाएंगे, बिल्कुल आपको बदल जाएंगी। आप पहाड़गंज चले जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार ये मैं कहाँ आ गया, थाईलैंड वोलैंड आ गया क्या? मतलब आपको बिल्कुल वैसे न्यून लाइट्स और ये और वो पता, आप हैरान रह जाएंगे। जबकि दिल्ली इतनी सी है, तो सोचो हमारा देश कितना बड़ा है और हमारे देश में क्या क्या चीजें हैं। मैं कहता हूं ना कि शायद एक जन्म कम पड़ जाए अपने ही देश को पूरी तरह से डिस्कवर करने में, अपने ही देश को ढूंढने में, अपने ही देश को देखने में। इतनी चीजें हैं देखने के लिए। यार पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फूड है जो आप कहते हो कि इंडिया में जानी चाहिए, इंडियन फूड पाकिस्तान आनी चाहिए? यार पाकिस्तानी तो बहुत सारी डिशेज हैं, लेकिन इंडिया की चंद एक डिशेज हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। वड़ा पाव हो गया, चिकन कड़ी, वड़ा पाव। एग्जैक्टली, इंडिया के अंदर तो अनलिमिटेड डिशेज हैं क्योंकि उनकी आबादी भी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है और हमारा कल्चर एक दूसरे से मिलता जुलता है क्योंकि हम सदियों इकट्ठे रहे हैं। इसलिए हमारे फूड जैसे मुगलाई फूड हो गए, तवा चिकन, तवा पीस, और इंडिया के अंदर वड़ा पाव हो गया, इस तरह की डिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इवन वहाँ पर तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि थाली का कॉन्सेप्ट है कि बड़े बड़े ज़्यादा डिशेज होती हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 आवर 2 आवर, इसके अंदर वो कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट भी मिलती है। और वहाँ पर तो फूड के लिए लोग बहुत क्रेजी हैं। पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया के पास मसाले ज़्यादा हैं, उनके पास जो सी उनकी हिस्ट्री है सारी, मीन्स के ना कि सब कुछ उनके पास है, हिस्ट्री सारी उनके पास है, हमारे पास इतना नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन के साथ बनता नहीं है। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो लाइक उनके ये पूरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा वो कंट्री है। हाँ जी। तो लाइक उसमें बहुत से अलग कंट्री, मतलब के अलग जात के लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग पकवान हैं, तो इसलिए उसका मतलब के वो ना टॉप 10 में आता है, मींस के बहुत ज़्यादा ऊपर है। इंडियन कौन सी फूड पसंद है आपको? बंद कबाब। अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं। पहले भी हम लोग साथ रहते थे। ये लो ये देखे भी शामी, कितनी खासा, बहुत मज़ेदार। अभी हमने ट्राई की है शामी, और वो क्या पड़ा, वो बहुत मज़ेदार चीज़ पड़ी, वो भी अचार है। अचार भी दिखाइएगा ज़रा। ये पाकिस्तान का ट्रेडिशनल चार है, ग्रीन कलर का, ये देखिए। ये मुल्तानी है स्पेशल, हम लोगों ने पूछना है। हाँ, दिल चाहता है कि मैं इंडिया वालों को खिलाऊं, वो इंडिया वाले अपना टेस्ट भूल जाए खाना। ये शामी इतनी मजेदार है। हाँ, इतनी मजेदार है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। वो ना बोलेंगे कि शामी नहीं खाई तो कुछ खाया ही नहीं है। जैसे मिसाल बनी है ना पंजाबी में, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। हाँ जी। तो जिसने शामी कबाब हमारा दाल चावल मुल्तानी नहीं खाई, और मुल्तानी नहीं खाई उसने कुछ खाया ही नहीं है, समझ लो। वो बहुत सिमिलर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदू गॉड्स जो हैं वो जापान में भी उनकी पूजा की जाती है और जापानीज जानते हैं इस बात को। कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक आम इंसान की तरह, एक आम टूरिस्ट की तरह कह लीजिए कि अम्बेसडर साहब गए हैं, शूट हो रहा है, व्लॉग शूट हो रहा है, लोग देख रहे हैं, कोई आपको नहीं दिखेगा कि गाड़ियों का काफिला आया है और बिल्कुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आगे पुलिस वैन, पीछे पुलिस खड़ी है, और इधर खड़ी है और उधर खड़ी है। आपने देखा, इसको कहते हैं फील लाइक होम, कि बेफिक्री से आप सरोजनी नगर जैसे मार्केट में आप घूम रहे हैं। सोचिए अम्बेसडर साहब को इंडियन ड्रेस में इंडियन स्ट्रीट फूड खाते हुए बड़ा मजा आया है। और देखिए, यही हमारा कल्चर है और इसीलिए दुनिया हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, अप्रिशिएट करती है।
देखिए कितनी आसानी से घूम फिर रहे थे, बाजार भी देख लिया, खा भी लिया। और ये दिल्ली का एक इलाका था, सरोजनी नगर, और दिल्ली में ऐसे हजारों इलाके हैं और उन जगहों पर भी अलग अलग चीजें मिलती हैं खाने को, देखने को, मार्केट्स में हजारों। अब देखिए मोस्टली चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाने की वजह से हमारी मॉइस्चर डाउन हो गई है। बिल्कुल। इस वजह से यहाँ पर हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे घी की आप प्राइस देख लें कि क्या प्राइस है और इंडिया में क्या प्राइसेस हैं, इस वजह से फिर यहाँ पर चीज़ों के फूड रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। कभी इंडिया जाने का मौका मिले सबसे पहले कौन सा खाना ट्राई करोगे, कौन सी डिश लोगे? मैं वड़ा पाव खाऊंगा यार, मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी यार वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है, बहुत मजा आता है। मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ खाने के लिए, रिलेशन जो है ना अच्छा होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का। इवन आप तो इंडिया जाते ही रहते हो, वहाँ पे क्या अच्छा देखा है आपने? वहाँ के लोग अच्छे लगे हैं, इज्जत करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। यहाँ के भी वही है बस, दोस्ताना माहौल है, ये भी अच्छे लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, बीच में जो है ना पता नहीं किसने मुनाफिकी कर दी है, दोनों को ऐसे अलग कर दिया। वो भी मुसलमान है, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी मुसलमान है, वहाँ से कितने लोग आते हैं यहाँ पर। नहीं जब ये भाई जाएगा ना तो इसके साथ शायद मैं भी चला जाऊँ इसके साथ वड़ा पाव खाने के लिए, इंडिया जाऊँगा इनके साथ। यार मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कहता हूँ कि काफी दोस्त मेरे आए मेरे साथ। जिन दोस्तों जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अपने वाइफ के साथ वड़ा पाव खाते हुए वीडियो शेयर किए थे। इस वीडियो में दोनों आपस में वड़ा पाव खाने का कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे थे और इस वीडियो को जब शेयर किए तो पीएम मोदी ने इस पर जवाब देते हुए लिखा कि ऐसा कंपटीशन जिसमें हारने के बाद भी बुरा नहीं मान सकते। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो तो पुरानी है लेकिन अब काफी ज्यादा इस टाइम वायरल हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो हमारे भगवान है उनकी पूजा जापान में भी की जाती है और जापानी इस बात को अच्छे से भी जानते हैं। दोस्तों यही तो हमारे इंडियन कल्चर है और हमारे भारत के सॉफ्ट पावर है, जिसकी बदौलत दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे भारत देश के सड़कों पर खा सकते हैं, पी सकते हैं, नॉर्मली घूम भी सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, आम इंसान की तरह, आम टूरिस्ट की तरह सुजुकी और उनकी वाइफ दिल्ली के सरोजनी नगर में, और उनका वीडियो शूट भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं, और आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, आगे पीछे बॉडीगार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि बिल गेट्स कुछ दिन पहले ही भारत में आए थे और उनका एक वीडियो चाय पीते हुए बहुत ही वायरल हुआ था, आप सब तो देखे भी होंगे। और यही तो हमारी कल्चर है, इसलिए तो पूरी दुनिया हमारी कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा दीवानी है और इतना ज्यादा हमारी कल्चर को फॉलो किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भी हमारे कल्चर को एडॉप्ट भी किया जा रहा है। आप सब तो खुद ही देख सकते हैं भारत कितना अच्छा है, इतना यहाँ सेफ्टी है कि कितनी बड़े बड़े लोग सड़कों पे ऐसे घूम भी रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, जिन्हें अपने घर की तरह फील भी हो रहा है। दोस्तों आपको सुजुकी साहब का यह अंदाज कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।